हाँ भाई बॉम्बे ते। हाँ के हाल से गाड़िया के रहे हा? बरगे जहाज ठीक से आ दे दो क्या नजार दे दो भाई दान ने ना नटक दो भाई। हाँ क्या नजार दे दो ठीक से ठीक से भाई बरके। अच्छा भाई शेठ जी कुछ दया करिए जी मेरे पे भी। हाँ भाई क्यों के बात है मन ने छोरी आ बेगना जी बहुत नहीं है मन के कृष्ण सोच ना करे भाई न्यू करिए शान ने मुनीम ने भेज दूंगा पीछे लेकर अठार ते ब्याह छोरी ने मरे यार बड़ा शेठ जी भगवान थोड़ा बला करे परमा कोई बात नहीं भाई चिंता ना करे। हाँ भाई अच्छा दे दो मेरे यार 21,000 रुपये दे दो। हाँ दे दो अरुण नन्यू करियो वो गऊ साला वाले आए थे ना क्या नजर उन भी दे दो। हाँ ठीक से भाई मेरे यार मौज से सारी चीजा की दान ते नाम वो कराया करो। हाँ ठीक से भाई आ जाओ बरके ठीक से। दान तो खरिया रम रहा दान तो देने की चीज हो सेठानी। हाँ आ जाओ आई वन्यू था मैं बॉम्बे जा रहे थे ना जहाज वन्यू बोले 2.5 करोड़ का मुनाफा होया ये फोन आ था। बहुत बढ़िया बात यो होता है शेठ जी या आप जो दान पुन करो हो ना यो सारा उसका असर से न्यू क्या करे धर्म की जड़ सदा हरी हो। ठीक मन ने उड़ा कमाए थे मैं बोले जी गऊ साड़ा दे आए थे मैं भाई क्या नजार दे दो बहुत बढ़िया करो स्कूल में 21,000 रुपये दवा दिए मैं भाई दान कर दे रहा करो। मैं तो एक बात और कहना आई थी। हाँ तड़के 5-4 आदमी आए थे। अच्छा वह न्यू कहे थे हमने एक धर्मशाला बनवानी है एक लगवानी है प्याऊ। अच्छा तब मन ने उन ताई कह दिया तुम शुरू करो सेठ जी पैसे आप पहुँचा देंगे। बावड़ी कोई चिंता है कौन ना ना कोई भी दिक्कत नहीं सर जब बात मन कह दिया। हाँ। मन भरोसा है धर्म पुन्न नाट्य धर्म पुन्न नाट्य करे दे रहा क्या जो उससे ना देन, ओए देनिया उसके काम में ला जाएंगे हम कौन देने वाले साम ते बीच में माध्यम सा दे दे रहा से अगा हम दे रहा। हाँ बिल्कुल तो सेठ जी खाना तैयार से। अच्छा खाना तैयार से। हाँ। मैं थोड़ा सा भजन कर लू है उस मालिक का और फिर आया। ठीक सर मैं इतना खाना लगवा रही आप खाना लगवा दो इतना। ठीक मैं मरा भजन कर लूं ये भजन करता है आऊं सेठ ताराचंद उसका तो नाम हो गया पूरे देश के अंदर इतना बड़ा दानी सेठ ताराचंद सेठ ताराचंद भाई किससे भी तरह कर करना है और इसका दान पुण्य कराना बंद करना है। ले चालू देखो कहूंगा भाई ने भाई ताराचंद राम 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 भाई हरी राम। हाँ जी आ जा भाई आज क्यों कराने हुए भाई भाई यूं घूमता घूमता आ गया था भाई। अच्छा भाई और सुना सब राजी है कौन बा ठीक से भाई राजी। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक सब ठीक से भाई और सुनाओ। बस भाई कति मौज आनंद यू था। हाँ भाई भाई सारे देश में नाम सुना है। अच्छा ठीक से आपने दान पुण्य भी बहुत करा सारी बात बढ़िया है बहुत अच्छी बात है ये। ठीक बात से भाई पर एक बात बताऊं। हाँ भाई कोई किसी के काम नहीं है ना सब अपने अपने मतलब के हैं एक तू दान पुण्य तो बहुत करे है और कदे फंसी में तेरा कोई काम नहीं आऊगा तो मैं तो एक बात कहूं सु ये दान पुण्य करना बंद कर दे। भाई बात तो तेरी सच्ची है काम तो कदे कोई नहीं आया दान लेनी है बहुत आऊंगे। हाँ बहुत आवेंगे कितने स्कूल वाले आऊंगे कितने धर्मशाला वाले आऊंगे कितने चौपाट वाले आऊंगे कितने कोई आओगा कितने कोई आओगा। फिर भाई अरे कदे कि मैं गड़बड़ हो जा ना ना भाई कि मैं गड़बड़ की बात ना है। अच्छा इतना दान पुण्य भी ठीक ना है भाई घना रुपया
इन देखे न, मैं भी कमाऊ हूँ, मैं भी मतलब दान पुण्य मतलब करना चाहूं, लेकिन मेरी गुंजाइश ना कते भी, और तू कर दे है, तेरा नाम भी खूब अच्छा हो रहा है, कहा ना तेरे काम को ना होगा, मैंने नू बता दे। फिर भाई टाड़ करूं, दान पुण्य करना बंद कर दे कति। ले भाई ठीक से भाई का बात, मेरा फायदे की कहना, आपके फायदे की बात कहूंगा। ठीक से भाई, मैं क्यों भाई का बुरा चाहूं था, नू बता। ठीक बात से भाई। अच्छा भाई तारा चल, मैं चालू काम से मने। अच्छा भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, ध्यान करूंगा भाई तेरी बात। हाँ ठीक से, राम राम से भाई, राम राम। अरे ये तो दान बंद करो यार, बात भी ठीक से भाई, मेरे ले जाए रुपये लोग, बता के गणा दान में दे यार, भाई साहब अपना ठीक का कवे है जो भी कह दिया। सेठ जी राम राम। राम राम भाई। लो सेठ जी आपकी चिट्ठी। चिट्ठी से भाई। ठीक से भाई, नमस्ते सेठ। नमस्ते भाई। ठीक से भाई, हाँ ठीक से। तेरी के नाश हो गया भाई कति, दोनों जाए डूब गए, बहुत माड़ी बनी बात, देख तकदीर ने के धोखा दिया, इसमें केस है। हैं, कोठी भी गई भाई दोनों बम्बे आड़ी, ओए डूब गए दोनों, फिर इसमें चिट्ठी मिसा और के लिख रखा है, न्यू रो क्यों लग रहे हो, के लिख रखा है, ले खोल के सुन लेते। गद्ये धन माया में खेलूं था आज, टुकड़े का मोहताज होया, चिट्ठी पड़ पड़े आंसू आ रे, रंज कौन सा आज होया, धन माया में खेलूं था आज, टुकड़े का मोहताज होया। साठ लाख के जाज मेरे रे, डूब गए से प्यारी, चोरा ने मारा माल चुरा लिया, डाका पड़ गया भारी, चढ़कर राख हुई बम्बई में, दोनों कोठी मारी, कदे कदे मैं न्यानी था आज, खत्म वो नखरा नाज होया। सेठानी मन
धर्म करम की दी छोडगर धर्मशाला छुए बनवाए गौशाला और शिव मंदिर सबके चंदे बंद करे मेरी अकल पर पड़ी रे पत्थर एक हरी राम दगबाज होया पैसे की नहीं कमाई सो सो का घटा हो गया क्युकर शहर में बसे रहेंगे क्युकर शहर में बसे रहेंगे टोटा बेअंदाज होया कितने प्यारे मित्र थे सब दुश्मन सब समाज होया सा सेठ यार हापड़ में मिलेगा कौड़ी भर के मेहनत करके कमा पिया सब गम ने भूल बसर के दो सौ रुपये उधारे ल्याऊं बेटा गिरवी धरी के पालना पेस चलेगी समय का धर्म मिजाज होया चिट्ठी पट पट आंसू आ रे रंज कौन सा आज होया जन माया मैं खेलू था आज टुकड़े का मोहताज होया इब सेठ जी के हाल होगा कुकर गुजारा होगा मारा के हाल होगा सेठानी बस कि मैं समझ में नहीं आ रहा शहर में तो ना नौकरी कर सकते ना कोई दाड़ी मजदूरी कर सकते ना हुआ सेठानी रे जड़ा जागे हंसी होगी नु कहेंगे बतायो सेठ तारा तुम मारे मजाक करे से नौकरी बूझ गए किससे बढ़ के भी ना रहे के करोगे कुछ तो राह निकालो के राह निकाला ये हरी राम ने तो जमा नाश कर दिया मैंने कही थी इसके हरी राम की मत मानना बस तेरे ना माने नहीं या बहुत भारी गलती कर दी ए भाग्य का राका है पछ गई सो तो गई एक बात कहूं छोरे ने गहने धरे हूं मेरा एक दोस्त कौन छोरे ने गहने धरेगा के करे बखत बलवान हो है और के करस कहां छोरे ने अपड़ मेरा एक दोस्त है मनसा सेठ हाँ वो तेरा पगड़ी बदल यार पगड़ी बदल यार से उसका गहने दर कर दो सौ रुपये ले उनके मैं काम चलावांगे फिर तन्यू कर सेठ जी छोरा सुत्या है ठा ले जा और कर कुछ आगे कर रहा छोरा करना पड़ गया बता बखत ले छोरा ने ले जाऊं ते जहां सुसे टाइम ठीक से देख बखत की मार केने मेरा था एक राजा कैसी जिंदगी जिया कर तेरा जनो रंक बनना पड़ जाएगा एक झटके में सब बर्बाद कर दिया भाई ये कारण ओहो भाई और भाई ठीक से ठीक है भाई
भाई बहुत दिन में आए मिलना ना हो भाई भाई बैठा हो ना भाई यार बैठने का कौन आ रहा ना ना भाई क्यों नहीं बैठे बैठा रे भाई मेरे बेटे आइए तो तू भाई इकला गया फिर भाभी ना ले आया भाई भाभी ना नहीं ले आया क्यों ना ले आया भाई मैं भी तेरे द्वारा भाई एक काम आया से सुन ले के काम आया बता भाई भाई सारे तो जहाज डूब गए न्यू किस तरह के माया बस भाई के माया फिरी हरी राम की सीख मान गया मेरा तो यो विश्वास है उसकी के सीख माननी सारा वो धर्म कर्म करया करता छुड़वा दिया भाई छोड़े क्यों फिर उसकी क्यों भाई मना नहीं सोचा मेरा भाई से धर्म की जो है ना नीम हरी होती है भाई फूट गई माथे में गीब के बन तो फिर और भाई आज तो मैं करड़ी छाती करके आया सु करड़ी भी तेरा घर से भाई भाई घर से ठीक बात से पर भाई मैं खुददार आदमी सु मन ने 200 रुपये दिया छोरा ने कहना देना यह के बात कही तेने ना ना यह तो गलत बात है तू रुपये तू 200 के तू 2 लाख ले पर भाई वो नहीं लूंगा मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा छोरे में 200 होंगे जब छुटवा ले जाऊंगा ना ना यार इतने मेरे छोरा ने तू गहने धर ले भाई ना ना ही शायद छोरा तेरा नहीं शायद मेरा गिरवी की बात है तू 2 लाख रुपये ले जा भाई तू इसी बात ना के भाई ने शर्म तो शेर तू मेरी तू मेरा नाक काटना आया भाई ना भाई ना कोना तो मैं तेरी मदद करूंगा भाई की क्या बात से इसमें भाई ना मानना तो बस 200 रुपये दे दर छोरा ना कहने दर ले भाई तेरा दौरा नहीं उसे बड़ा काम से छोरा मारी गला गरीबी में दुखी ना होगा इसकी तो जिंदगी ठीक बन जाएगी व्यापार सीख जाएगा भाई मैं तेरा शान नहीं भूलूंगा बड़ा भाई चलो भाई तेरी न्यू मर्जी है भाई ठीक बात छोरा मैं खूब काम लाऊंगा चिंता क्यों कर रहे तू इसकी ओर तो बेफिक्र रहे भाई 200 रुपये दे दे ले भाई 200 रुपये ले न्यू मत करे अच्छा भाई अच्छा ठीक है अच्छा राम राम भाई मेरा न के बात होगी छोरे ने गहने धरन गया था अब 2 दिन हो लिए ही आया नहीं क्यों लगी सही इतनी बार देखो के बात आ गया सेठानी के आ गया के ओए होए बस के पूछेगी के बात है नहीं चुकर करी छोरे ने गहने धर का था मैं 200 रुपये ले आया था राम नान ला गया नदीप उन्हें एक चीज लेके उड़ गई बता फूट गई तकदीर कोई बात नहीं न्यू मत करे न्यू कह आखरे से भगता की भी राम परीक्षा लिया कर रहे हैं या तो घनी ज्यादा ले ली या हमारी कोई परीक्षा की घड़ी से और कोई ग्रह का चक्कर से चिंता मत करे जब सारा दिन खुलिया तो 200 रुपया केरो होगा छोरा भी तो गया या तो सही छोरा भी गया पर न्यू मत करे कोई बात नहीं न्यू कह रहे 2 बड़ी ना 2 साढ़ वो भी भगवान ना करेगा कि मैंने क्या बस वो ये करेगा इब तब और कोई सारा नहीं रहा पर कोई बात नहीं तो न्यू माड़ा मन मत करे कि ते कर ले मेहनत मजदूरी कि मैं थे जा तो गुजारा तो करना ही है पकड़ के मांगूंगी देख प्रैक्टिस ही करा दियो ना तेरा पेट लकड़ता है अच्छा भाई दादा रहा थी बुढ़ा और रुई का ट्रक लिए गए मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा दू भाभी अच्छा तू तो बचपन तक करवान लाग रहा जब वो डेक सा था ना जब भी तू नहीं भाजा करता अरे वो बड़ा हो गया जब भी तू नहीं भाजा आगा गए ठीक सब अभी फिर बतलाऊंगा एक बार बाबू का दे रहा था बुलाया हूँ की काम है वो है हूँ एक बार ठीक सब हैं फिर बात जाएंगे ठीक हैं अच्छा भाभी हो मैं भाई अच्छा चंद्रगुप्त दो बार बेरा दे लिया इतना ही नहीं आया ये तो टक रहा है बाबू हाँ बेरा दिया था बोलो के काम था भाई हाँ इव न्यूज है तू हो गया घाबरू हाँ घाबरू तो हो गया अरे बाप अपनी जिम्मेवारी समझ बताओ बताऊं भी मैं वो भाई तो जा रहे बम्बई हाँ और तू जाई भी ना अपना जहाज ले जा और रुई का व्यापार ले करके मुकदे गया था ना भाई ना जाएगा तेरे घर बैठे के थोड़ी ना सेठ का बालक से तू ठीक से मैं चला जाऊंगा फिर
चला जा और जो ना व्यापार करके लिया और एक काम और करिए बोलो भाई अपनी भाभी यहाँ जरूर मिलकर जाइए कदे के मंगाओ तो ले आइए ठीक से मेरी भाभी फेट जाऊ मैं हाँ फेट के और जा फिर मैं चला जा तैयार कर रखा जाए ठीक से ठीक है अच्छा मजा आ भाभी आ जा क्या कर रही हो कड़ा चला गया था बाबू ने बुलाया था बाबू ने क्या काम बुला लिया ऐसा बताऊं भाभी जी हा काल हो गया मेरा तो क्या ते जी सा काल करे है तेरा हो गया तुम्हारा तेरे पैदा हो गया बात तो एक है इन्हू बोलिया के इब के जहाज ले गए ना और रुई तू ले ये व्यापार करके तू जाओगा जाना पड़ेगा बाबू ने कही है तो तू चला जाएगा तो महाराज जी के ऊपर लगेगा जी तो लाना पड़ेगा भाभी इन्हू बोलिया तू सियाणा हो गया भाई काम धंधे पे लग जा अरे बाबू की बात ना मानू भाभी तो मुश्किल फिर ईसा के मैं घनी दूर जाऊं 10-15 दिन का राह बता दा बाबू 10-15 दिन में उल्टा आ जाएगा फिर 10-15 दिन क्यों वाले कड़ा से क्यूकर बीते हमने बेरा है ना फिर गेला तो महाराज जी ला गया रहे तुम दोनों जनी बतला दे लोगी उड़ा कद रुई होगी कम होगा मैं मारे जाऊंगा शहर थारा टाइम पास हो जाएगा तेरे बिना तो कोना हो ये तो करना पड़ा भाभी अर न्यू है मेरी लाडली भाभी न्यू बता तने के मंगाना हो भाभी तने के मंगाना हो देख देवर हाँ भाभी जब तू लावे तब मंगवा मैं ना फिर तेरे तक का कुछ फायदा कोई फायदा ही नहीं ले आऊं भाभी तुम एक बनियो मुंह धक्का डो यह चीज चाहिए ला देगा सोच ली भाभी बता दे लेंदा नहीं तुम जब कहो हो पकौड़ी लिया पकौड़े लिया सारी चीज बाज बाज नहीं लेंदा ना फिर बात तो तेने सारी माननी है पर यह बात तने मतलब लावे तो हम तेरे तक कह मैं बोली भाभी हो ला देगा अरे वाह भाभी बता की लेना है तो तू माता ही ला दिए लालर जुड़ा देख ले लालर जुड़ा ये बड़ी बात है गोज में गाली गली आऊंगा ये चीज तुम देख ले तो समझ गया क्या दे देख लिए कह दी भाभी मिलते जाएंगे नहीं ये मिल जाएंगे जब तक मैं तेरे तक कही है ये लेगा उल्टा पड़ूंगा ठीक से बाबू मेरी बाट देखता होगा अरे मन मेरी भाभी हो न्यू मुस्कुरा के इजाजत दो थरी यहाँ सिम झाज में गिल ले जा अच्छा भाभी राम 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 री राम राम भाभी जाऊं तोड़वा आऊंगा अरे थरी चीज ले आऊंगा जरूर ले जरूर ले अच्छा भाभी राम राम अच्छा भाभी जाऊं देखे तक आज जता है जाऊं अच्छा भाभी उसने के मेरा बावले ने लाल जुड़ा के उस है मारी बात तो बता नहीं हो ये तो दुरानी लावे 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 कते लावे ले भाई सुनिए एक बे ओ ताऊ राम 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 ताऊ तू बड़ा शाना आदमी है हाँ हाँ एक बात पूछी पूछ ले मैं सारे शहर मांड लिया ताऊ मने दो चीज मोल नहीं मिली के एक तो लाल अरे एक जूड़ा किसी दुकान में नहीं पा ले ये तो इंडिया फिर ले ये चीज नहीं मिलेंगी अच्छा हाँ मोहल्ले में नहीं नया मोहल्ले मिलेंगे और है ये मिलेंगी जो सेठ से नहीं अपनी लड़की की शादी करे वो फेरा पे देगा इन्हें फेरा पे देगा हाँ फेरा पे देगा उन्हें मिले उन्हें मिले अच्छा तब राम राम अच्छा राम राम ये तो अच्छे फंसे भाई मेरी भाभी ने क्या चीज मांग ली कितने ब्याह करूं कितने लाल जूड़ा ले आऊं और ये चीज नहीं मिल ली मैं उल्टा घर आको नहीं जाऊं ठीक से वो फकीर आने लग रहा उस तोर बात करके देखो एक बार महाराज जी सुनियो एक बार महाराज जी सुनियो एक बार महाराज जी सुनाओ बच्चा सुनाओ महाराज जी मैं बहुत घूम लिया एक बहुत दुखी है बालक सुन मेरा कष्ट निवारण करो महाराज जी बोलो बच्चा महाराज जी मारे व्यापार के सिलसिले में आया था मेरी भाभी ने मेरा पैसी चीज मंगा ली जो मोल नहीं मिलती अच्छा लाल और जूड़ा अच्छा एक ताऊ ने बताया कि भाई ये चीज तो सेठ लोग जो है ब्याह शादी में फेरिया पक्ष या फेरिया पर दान दून में दिया करे ठीक बात है मैं मर गया महाराज जी जन्यू का न्यू चला गया तो अपनी भाभी ने के मुंह दिखाऊंगा महाराज जी मेरा क्या उपाय बताओ महाराज जी ना मरूंगा उल्टा को ना जा नहीं बच्चा ऐसा है एक मिनट में ध्यान में बैठता हूँ और फिर देखता हूँ क्या भविष्य है क्या है मैं बैठो महाराज जी बैठो बैठ गया बैठो अभी बताता हूँ बताओ महाराज बच्चा हाँ महाराज अभी एक बारात आएगी मैं बारात क्या करूँगा अभी आप देखना मैं जो बता रहा हूँ ना बच्चा हाँ पहले उसको सुनो सुना महाराज अभी एक बारात आएगी एक बारात आएगी हाँ जो उसमें दुल्हा है वो है काना अच्छा और
तू है सुंदर लड़का, ठीक है ना, वो अपने आप तरह से समझौता करेंगे, ठीक से बुरा तरह समझौता करेंगे। हाँ तू ऐसा है जैसे मैं कह रहा हूँ ना, महाराज की बात को मान लो और फिर देखना चमत्कार, वो समझौता जो भी करे वो कर लेना, ठीक है। अरे बैठे रहो, ठीक है बच्चा, अरे बैठे रहो, यहीं बैठे रहो, ठीक है। अच्छा बच्चा हम चलते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा महाराज जी तेरी निभानी सच्ची पाया इसी बात ने, चाहे भाई कई दिन लग जाए महाराज जड़ी बात पर रहना है, अरे बैठे रहूंगा वो कोट पुरा त्यागी पाचा पाच दी। भाई अपा इन्हें गल बरात में चल पड़े, बाणिया की छोरी तो बता सुतरी और अपना छोरा है काना, फिर क्या करे भाई, भाई नू करना पड़ेगा, छोरा बैठा दिखा है ओड़ा जाता बांधना पड़ेगा कि पुहात कर लिया उसने। अच्छा चल ना फिर, उसकी मना मनु लिया भी और के का। चलो भाई किस तरह उदास बैठे भाई, तुम कौन हो पिछड़े निर्दोष के भाई, भाई मैं तो बराती सा, बराती मन नहीं भाई, एक समस्या हो रही है। के समस्या माँ आया धड़ व्यापार करना। अच्छा। और मेरी भाभी ने बोली तू लाल जूड़ा लेकर आई है। अच्छा। सारे हंड लिए लाल जूड़ा नहीं पांदा भाई, वो लाल जूड़ा तो हमें दुआ देंगे, लाल जूड़ा तो हमें दुआ देंगे भाई, मोल मिल जाए कितने ना मोल दुआ देंगे, ना दुआ दो हमें दुआ देंगे तने, क्यों कर दवाओगे भाई। भाई मारी एक समस्या मारी भी से के मारा है एक बनड़ा काना, थारी बरात में बनड़ा काना बनड़ा काना है। अच्छा भाई आप मारी समस्या यह है कि आ गल्ला की छोरी है सुतरी, ठीक उस छोरी गल्ला फेरे तो ले लिए हैं और बरौटी में चला जाइए, ठीक और फिर हमें तो लाल जूड़ा तने दे देंगे, और तुम तो अपने काम करिए, काम करता रही तेरी भाभी दे दिए, मारा अपने बहू आ जाएगी, लाल जूड़ा फेरे पाछा मन दे दोगे बहू न तुम ले जाओगे। चलो भाई मत यार, चल भाई आ जाओ, चल भाई चलो आराम ने के आ जाओ, थारा भी काम बना मेरा ही बने। हां चल आ जाओ, चल जरूर चल भाई। इस भाई ने लाए हमें। अच्छा तन्ने अपनी समस्या जो थी ने वो निमेड़न खातर, ठीक है हैं, तो तन्ने तो चाहिए है बहू। हाँ। वह बहू भाई का मतलब काम चला दिया, बहू तन्ने मिल जाएगी। हाँ। भाई ने जो सामान गला में सौदा करके लाए हैं वो इसी मिल जाएगा, अपना काम चल, तन्ने तो कोई एतराज नहीं भाई, मन ना कोई एतराज नहीं है, फिर चाहे तू ले चाहे मेरा बाबू, मनना चाहिए बहू, ठीक से भाई, ठीक से भाई। हाँ। वही तो कोई समस्या नहीं ना। चाल भी आ जा, इसका बनड़ाला भी तो बना लिया भाई। हाँ बनाओ भाई। ये इस लड़के का बेस बदल दो, कपड़े नए पराके बंदड़े आला ब्योत बना दो, शर्प मोड़ धरा के इस लड़के का देश बदल दो, कपड़े नए परा के बंदड़े आला ब्योत बना दो, शर्प मोड़ धरा के ओल पैर मैं बांध राखड़ी रे, ओल पैर मैं बांध राखड़ी, सोले मैं हो नाला रे, खुशबोई काचे लछड़क जो हो जा ब्योतन राणा रे, कदे लड़के का टोक लाग जा टीका ला जो काला रे, एक शून्य का तोड़ा गड़ में कट रूप का चाड़ा रे, एक शून्य का तोड़ा गड़ में कट रूप का चाड़ा रे, आख्या में शाही का डोरा, आख्या में शाही का डोरा, मन मोले नजर फेरा के बंदड़े आड़ा ब्योत बना जो, शर्प मोड़ धरा के
इस लड़के का रूप देख कर, इस लड़के का रूप देख तेरे हो जा दूर अंधेरे। देखे इस कैसे ना रूप रे, देखे छोरे बतेरे। एक लोहे का जो गज हाथ में हंस के फूल बखेरे। ये दो कम मरे तेरा जो मैं बारोठी और फेरे। ये दो कम मरे तेरा जो मैं बारोठी और फेरे। जी चाव जित चाल्या जाइए, फिर जी चाव जित चाल्या जाइए। मारा इतना काम करा के बंदड़े आला ब्योत बना जो शर्प मोड़ धरा के। अच्छा भाई, मन्ने फेरे ले लिए हैं और मन्ने भयो लाल और जूड़ा मिल गया है। तुम अपनी बहु बहु न ले जाओ और मयो लाल जूड़ा ले जाओ। अच्छा भाई, राम राम, राम राम। अच्छा भाई, मुबारक हो बबू तुम्हें। ठीक है भाई, मौत करती भाई। अच्छा अच्छा, वो नहीं है जिनके साथ मैंने फेरे लिए थे। आप कौन है? इतना भद्दा मजाक, हे भगवान, आप कौन है? मैंने इनके साथ फेरे नहीं लिए थे, ये वो नहीं है। भारतीय संस्कृति में नारी जिसके साथ एक बार फेरे ले लेती है उसे अपने जन्म जन्म का साथी मान लेती है। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये वो नहीं है। इन्हें कहो यहाँ से चले जाए। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ आप यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। हे भगवान, ये तूने क्या किया? इतना भद्दा मजाक, किसी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होगा। उसका पति एक बार उसके साथ फेरे लेके उसे छोड़कर चला जाए और कोई दूसरा। नहीं, ये क्या हुआ? या के करी भाई, मन इस लाल और जूड़े के चक्कर में फेरे तो मन ने ले लिए और वो काना उसने ले गया। इसमें मेरा लोभ था उस काने का, मना लाल जूड़े का लोभ, उसने बहू का लोभ ना, वो गलत करा। उस लड़की की क्या गलती थी? बहुत माड़ी करी भाई, ये के करूं? एक काम कर लू, एक बार देखे आऊं, दर्शन तो कर आऊं। हे भगवान, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू, मैं अपना लोभ मां गया था। मैं एक बार चल लू और देख के आऊंगा भाई, अग ही भगवान जी सी करेगा न्यू वो करेंगे, मैं जाऊं। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। कहाँ जाऊं मैं? हे भगवान, मैं एक सती औरत हूं, दया करके मुझे मेरे स्वामी से मिलवा दीजिए। हे भगवान, कोई चमत्कार
बस भैया भैया देखना देखना सही में चमत्कार हो गया। चलो स्वामी स्वामी कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आज जुड़ के माफी मांगू मैं लोभ में आ गया था। मुनाका पछा सोचे नहीं भाई आपके लिए के बनेगी और मैं भी अपने ले जाने खातिर तैयार हूँ। क्या? और भगवान का लाख लाख शुक्र तुम लाड़े पागी उस कहने के लिए ना गई चल मेरी गली। अच्छा भैया स्वामी एक बात पूछूं? नहीं तो तू कहे पूछ ले सारी बताऊंगा। तो ये बताइए आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? नुका चमन ना कर मेरा भी शायद दिल है मेरी मजबूरी थी धर्मपाल की मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? ये मजबूरी आपको तब नहीं आई जब आपने मेरे साथ फेरे लिए मेरे गले में जयमाला डाली और न्यू ना करे जड़ दोनों रोन लग जाए को रोकनिया भी ना है। देख न्यू है मेरी भाभी है मारा दो वह न्यू बोली अगर लाल और जूड़ा ले आइए मन नहीं बेरा था इस बीमारी का महल उड़ा दुकाना मिलता वह ले आऊंगा मन उनकी यहां भर ली और उन अगर जो मैं हाँ भर लिया मैं फिर वह चीज ले जाया बिना उल्टा क्यों कर चले जा मेरी इतनी लाडली भाभी यू काना बुरात ले आओ था ये दो आदमी मेरे दूर आ गए मैं उड़ा मरण न हो रहा था लाल जूड़ा मारा यूनू बोले भाई मारे ये दो काम कर दे फेरे फेरे तू ले ले लाल जूड़ा ले जाइए बहू नाम ले जाएंगे मन ने दिमाग तक काम नहीं लिया फिर मतन छोड़ के चले गया फिर मेरी आत्मा नहीं मानी महा बहू उसकी की गलती यह बात थी है? आप नहीं मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता तो न देख के रखे होता और मैं समुद्र में डूबन चल पड़ा था अगर डूब के मरूंगा उसे स्वामी अब ऐसी बातें मत कीजिए ना इब को नहीं मरू गेल जीऊंगा और गेल मरूंगा धर्मपाल की छोड़ के नहीं जाऊंगा और तू भी देखे थोड़ा हा मौसम में परिवर्तन लिया बतेरे रो पीट लिए थोड़ा हा यो घूंघटा उठा लेने मुझे शर्म आती है इब किसी शर्म को तीसरा आदमी हाड़ है दोनों वीर मर्द और भगवान ना कह रखिया तो वीर मर्द का किसने बाटिया जो क्यों बीच में दीवार कर रही है इस घूंघटे की तो पर्दा हटा दे मुखड़ा दिखा दे घूंघट में डुबकावे गोरी किससे तू शर्मावे गोरी किससे तू शर्मावे गजब रूका देखा नजारा बोल सुना दे प्यारा प्यारा मैं तड़पू तेरे प्यार का मारा तू ही सहारा अब तो हमारा घना ललचारा मत न घूंघट ठावे पिया शर्म घड़ी मते भी कैसा पर्दा बात बता मन तू गोरी मात पिता ने तेरे हाथ में सौंप दी जीवन डोरी घुट घुट के बतलावे क्यों तू तुई मुई सी तू होरी रस्ते में मत छेड़ पिया अपना खेल आंखें में चोली देख देख मेरी काया डोली मैं सुगोरी तू मेरा सैया तू बादल मैं बड़ू पपैया प्रेम का मी बरसावे पिया शर्म घणी मन आवे पिया शर्म घणी मन आवे ना भरता बाता ते पेटा दिल डोले तेरे प्यार में थोड़ी गात मराख समाई तेरे हुकम तना पार में ना भरता बाता ते पेटा दिल डोले तेरे प्यार में थोड़ी गात मराख समाई तेरे
होती मेरा जात समाई होवन देने मन की चाही तेरी ब्याही ना से पराई मुँह दिखाई पिया तू के घलावे पिया शर्म घनी मन आवे पिया शर्म घनी मन आवे दिखाई ले ले जवानी नाम करूं तेरे प्यारी मैं नजर टेक ले मन देख ले पर्दा दूर हटारी मैं भोली सूरत मोहनी मूरत चंदा सी उजियारी ने बुझेगी हाल चटानी लिखी बाग में व्यक्ता ठानी पिया बतानी चाहिए कहानी के हुई हानी मत न भेद छुपावे पिया शर्म पछताया मैं तने प्याक किसके घरा बैठाऊ मैं भर भर जूना बात से दुख की किसे पूछना चाहूं मैं फिर भी दर्द दिया मेरे पिता ने मन सा के बतलाऊ मैं है करडाई कितने तारा ल्याव कमाई सत धर्म की बांधी करम की चोट मरम की धर्म पालन गावे पिया शर्म घनी मन आवे पिया शर्म घनी मन आवे पर्दा हटा दे मुखड़ा दिखा दे घूंघट में दुबकावे गोरी किसी तू शर्मावे गोरी किसी ते तू शर्मावे गजब रूप का देखा नजारा बोल सुना दे प्यारा प्यारा मैं तड़पूं तेरे प्यार का मारा तू है सहारा अब तो हमारा घना ललचारा मत ना घूंघट खावे पिया शर्म कि मैं कह पी किधर मालकी स्वामी हाँ। एक बात बताइए आये रे दो बुछन आप कहाँ रहते हैं आपके घर में कौन कौन है धर्म मालकी वे झूठ के बोल लूंगा तराग मारा बहुत बड़ा व्यापार था दिल्ली में सेठ ताराचंद का मैं लड़का हूँ चंद्रगुप्त मेरा नाम है मेरा बाबू बहुत बड़ा धनी था मेरा काका हरिराम नानी को बका दिया अग भाई दान पुन में कुछ नहीं धरिया दान दून करने सारे बंद कर दिए मेरे बाबू ने सुगुरदो ते बचीड़े मास दी आई कि दे चिट्ठी आएगी जहाज डूब गए बम्बी में कोठी थी मारी कोठी चढ़ गई रात रात में कंगाल हो लिए फिर मेरा बाबू का एक पगड़ी बदल यार आपड़ में मनसा सेठ उसको मैं गिरवी दर दिया मेरे बाबू ने 200 रुपया मेरी दो भाभी हैं मनसा सेठ के लड़के की कहूँ आप समझान खातिर वो मेरे माँ जाए भाई तो वे बढ़िया भाई हैं और मेरी मुंह बोली भाभी हैं मेरे बाबू की जगह मनसा सेठ देखा मैंने मेरे बाबू ने मैं गिरवी धरिया उन्होंने मैं पाड़ा पोसा व्यापार के सिलसिले में माड़ा आया था बहुत दुख भरी कहानी है स्वामी आपकी और मैं हाथ जोड़कर माफी मांगू धर्म माल की मैं डरदा फिर मखा
मेरा बाबू का रूप में जो मन मनसा जी सेठ देखे उन मैं के कहूंगा, मेरी भाभीया ने के कहूंगा, उन ईसा मजाक करा धर्ममाल की मेरी गिल्या, मने ज्ञान था को नहीं इन चीजा का। यह मेरी तो कहानी, ये मेरा आता पता है। अरे बे रात हा मेरे भी नहीं होगा स्वामी। हाँ। बहुत रात हो गई है। हाँ वादमन ने भी दिखा। आप सो जाइए, मैं यहाँ पैरा देती हूँ। जी मैं तू सो जा धर्ममाल की पैरा, मैं दूंगा इतना लादरी जो तू श्रृंगार यो सोना जंगल भी या बान का मामला टापू में किरा कून आने खड़ा होगा, दे मेरे जनावर भी चपतेंगे। तू सो जा धर्ममाल की, मां पौड़ाए जाऊंगा इन स्वामी। हाँ आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना? किसी बात कर रहे धर्ममाल की, चंद्रगुप्त तन छोड़ेगा चले आ जा, एक बार गलती होगी जी बार बार हुआ गलती नहीं दोहराई जाएगी। सो जा, अरे धरले शेर गोड्डा बना ले तकिया और सो आराम दे, घबराओ ना तू, सो। सोगी भाई कहते दी ना छोड़ दू, जै मैं इसने अपनी गेल ले जाऊंगा, पहली बार व्यापार करण माया सेठ जी के सोचेंगे, अगर मेरे पीछे अहमद है ब्याह कर लिया बेईमान बात दूंगा, इसने छोड़ू तो इसकी गलती के लेके कोने जाऊं, इब तो मेरा एक जी उन नगर में टूक तोड़ू और फिर या ना तो मेरी भाभी तान्य मारेंगे, कोनी ले जा बेईमान बात दूंगा, देखी जाएगी जो होगी सो वो दस है, पर मैं मजबूर हूं तो रमल की मना माफ कर दिए। जाकर उन्हें ढूंढती हूँ, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? हाँ मैं साधु का वेश बनाकर जाऊंगी। ठीक है मैं अपने स्वामी को जरूर ढूंढ लूंगी। चंद्रगुप्त में भी गया बाबू? राम 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 राम। आ गया, मैं तो याद कर रहा था इतना। बाबू आ जा बैठ। हाँ किसा किरा? ठीक ठाक। सफर किसा रहा? बहुत बढ़िया रहा बाबू। अच्छा के कराया है भाई? बाबू 50,000 की रूई ले गया था। 50 की ले गया था? डेढ़ लाख में बेचा है बाबू। अरे वाह शाबाश बेटा। और बस ठीक रहा बाबू सफर? अच्छा पहली बार का था बाबू? ना ना बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा एक काम कर भाई। हाँ बाबू। वो तेरी बात भी बहुत याद करने लग रही है, वो समझ ले चिंता में कति सूख ली, पहले उन दौर जा तू एक बार। इजाजत तो जाऊं बाबू? हां हां ना। अच्छा अच्छा शाबाश बहुत बढ़िया रहे। चंद्रगुप्त आलियर मार दो रहे ना देख। आवगा क्यों करे, उसना लाल और जुड़ा मिले ना होगा। हाँ। आवगा तो जब ना। हाँ, भाभी के पतला पतला सो आ जा देवर। आ गया भाभी। ठीक सो। हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं है पाँच सौ दिन ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लियो लियो
लिया है तुम्हारे कहीं यो ले तेरा लाल और तेरा जूड़ा इसका मा पैक से हाथा में मैं लिए देख मारी दुरानी की है दुरानी किताब अभी तुमने दो चीज मंगाई थी लाल और जूड़ा वह थराग गए हैं मेरे हाथ लाल हो चाहे पीले हो मेरी आंख से लाल हो चाहे काली हो तो मैं दिल रचा रहा क्या क्या मैं शाही गाल रहा कि लाल और जूड़ा ले आया तो मारी दुरानी कित से कड़ा छोड़ा है उसने मतन्या मारे री भाभी ताने ना देवर चाले तेरे बहाने मतन्या मारे री भाभी ताने ना देवर चाले तेरे बहाने बता दे मेहंदी रची क्यों तेरे हाथ में री भाभी के मिल जतन रचबो के गात में मतन्या मार री भाभी ताने ना देवर चाले तेरे बहाने बता दे मेहंदी रची क्यों तेरे हाथ में री भाभी के मिल जतन की रचबो के गात में मतन्या मार भाभी ताने ना समझ की बात करो क्यों भाभी भंग अकल होरी री भाभी मतन्या हंसी उड़ाओ देवर दिल की बात बताओ भाभी मतन्या हंसी उड़ाओ देवर दिल की बात बताओ दीप है फर्क तेरी अरे मैं नौकर बन के करता फिरूं को बात में मतन्या मारे भाभी ताने बन के दिन काटू मैं भूखा नहीं लगाई का बहुत बोझ मन रे धरी से तेरी आँखें में नींद भरी से बहुत बोझ मन रे धरी से तेरी आँखें में नींद भरी से तू कितने जागया बता दे रात में अरे तू ब्याही रोला पड़ा मारे साथ में मतन्या मार री भाभी ताने बाता का भाभी मेरे तीर काल चला गया मतन्या बोले री कड़वी बाणी किसी छोड़ी मेरी दुरानी मतन्या बोले री कड़वी बाणी किसी छोड़ी मेरी दुरानी क्यों ना लाया उसने साथ में अरे मत गणी सतावे मर जांगा घड़ी शात में मतन्या मारे भाभी ताने साल रहा था रहा थोड़ा बता काम करया ना छलका
जय संग नहीं धर्म ते हारे लाल और जूड़ा छन के मारे जय संग नहीं धर्म ते हारे लाल और जूड़ा छन के मारे मारी इन से ठाकी जात में ओ मेरा कर्म पाल से गवा खड़ा है मात में मतन्या मार री भाभी ताने देवर चाल है तेरे बहाने बता दे मेहंदी रची क्यों तेरे हाथ में री भाभी के मिल जा तन तीरच भोके गात में मतन्या मार भाभी ताने। अच्छा भाभी थरी बात सुन ली, मैं एक बार नहा धोली हूँ फिर थरी सारी बातें जवाब दूंगा। देखे देवर इब्बी दाल में काला लग गया ना ना दाल में काला और ना काली दाल भाभी मन ना लियो एक थक रहे हो ना लेते। अच्छा भाभी जा। अच्छा हे भगवान दिल्ली भी आ गई और ये वेश भी बदल लिया, ना जाने कब मुझे मेरे सास ससुर मिलेंगे। हे प्रभु अब तो तुम ही कुछ दया करो। सेठ जी। हाँ भाई। राम राम। राम राम। और देखिए मैं एक बात कहूँ। हाँ बता भाई। जमुना एक कंठा रहे। अच्छा। साधु आ रहे हैं बहुत पहुंचे और साधु से। अच्छा। और आप चले जाओ मैं दर्शन करे हो और सारे पाप दूर जाएंगे आपके। अच्छा भाई बड़ी मेहरबानी मैं जाऊं तो। आप जरूर। अच्छा भाई। हे प्रभु अब आप ही कोई करिश्मा दिखाइए, दया कीजिए प्रभु दया कीजिए, मुझे मेरे सास ससुर जी से मिलवाइए। प्रणाम महाराज। आयुष्मान बच्चे आप कौन हैं? महाराज मेरा नाम कदे तो सेठ ताराचंद होया करदा, आज सिर्फ ताराचंद रह रहा हूं। गरीबी में बहुत बुरा हाल हो गया, कदे जमाने में मेरे जहाज चल लिया कर दे। और महाराज मेरा तो एक लड़का से वो मने एक अपना दोस्त के मनसा सेठ उसका नाम से आपड़ में गहना धर रखा से महाराज मरे सुथरे दिन आ जा इस कामना तो महाराज आपका दोहरा सू बड़ा नाम सुनया था आपका। अवश्य ऐसा अवश्य होगा। ठीक है महाराज। आप रात को आइएगा। ठीक है। और हमारे इस धुने में आपको जो कुछ मिले अच्छा महाराज उससे अपने पुत्र को छुड़वा लीजिएगा। अच्छा महाराज। और साथ ही आप एक काम और कीजिएगा। ओके महाराज। जब आप अपने पुत्र को छुड़वा कर आए तो आप हमें अपने घर ले जाइएगा। जरूर महाराज। और अपने पुत्र को 1 किलोमीटर दूर रखिएगा। अच्छा महाराज अपना घर तय। हाँ जी। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज रात को आऊंगा। अच्छा महाराज। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। शुक्रिया भगवान शुक्रिया। शौन की कांगनी है ये परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो जाकर अपने बेटे ने छटवाऊंगा जो कर महाराज जी ने कही से बहुत पहुंचे हुए महाराज जी हैं ये तो बहुत बढ़िया। राम राम भाई राम राम तारा चंद है आप आगे भाई हो और सुना भाई ठीक ठाक भाई ठीक ठाक। अरे 12 साल में मिले यार। अरे भाई के करा बखत बलवान हो से। अच्छा भाई किसा के चल रहे से भाई किसा के मन्नत एक फकीर मिलया। अच्छा भाई पहुंचा और संत साधु। हाँ अच्छा फिर वो ने बोला तू तड़के धूणे पा जाइए और जो धूणे की राख में तने मिले उसने लेके बेच के और अपने छोरा ने छटवा रही है। अच्छा, अच्छा। भाई मैं तो छोरा ने लेना आया जरूर ले जाए भाई इसी के बाद से। हाँ। बुलाऊं फिर भाई बुलावा ना घने दिन हो गए आख्या भी देखे। अरे चंद्रगुप्त आ जा बेटा आ जा बाबू आ गए। नमस्ते जी। हाँ बाबू बेटा पहचान ना बाबू पहला नहीं देखा कभी भी
बेटा यो है तेरा असली बाप और मैं सुनूंगा बाप। बाबू हाथ जोड़ के एक बात कहूं, मैं पहली बार अपने व्यापार के सिलसिले में बार भेजा को गलती कर दी। नहीं गलती की बात नहीं बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, जो हकीकत है वो मैं तेरे को बता रहा हूँ। फिर मेरा बाबू भी दूसरा क्यों बुना बाबू? ऐसा था, यो तेरे बाप जो है ना मेरे को 200 रुपए में आपको गिरवी रख गया था और आज यो आपको छटवाने आया। बाबू रो ना, बाबू रो ना, मेरी गलती माफ कर दे बाबू, मैंने बेरा को नहीं। अरे बेटा गलती तो मेरी है, कर कोई बात ना बेटा, बाकी तरह घर बताऊंगा सारी बात। गलती बाबू किससे की नहीं होती, गलती कर्मा की हो, कर्मा की हो भाई। समय में भाई मैं तेरा शान नहीं भूलूंगा भाई। शान की बात है अरे भाई, ये या तेरी अमानत ले ठीक से। अरे भाई तने मेरा बेटा बहुत अच्छी डाल रखा, ले भाई एक काम कर बेटा, ये मैं तन्ने दूं हूं अपना काम व्यापार बढ़ा, और मन्ना भाई खूब व्यापार शुरू करा दिया है, बिजनेस सिखा दिया है। अच्छा ताराचंद, कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी अगर। भाई बहुत मेहरबानी करी भाई। अरे एक काम कर बेटा, आज जो जाए बात ही आ जावे है, जो कर कृष्ण पड़या था न्यू पड़या बाबू, मेरा जी नहीं करता गिल्ला चलन में। अरे भाई मेरा जन्म का यार है, कति पगड़ी बदल यार है, बचपन का यार वो देखे बाबू, परिशे यार नहीं देखे, घर में किसी चीज का फर्क नहीं होने दिया। मेरी भाभी है ये, मेरा बाबू, मेरे भाई, माँ, फर्क नहीं करे बाबू मेरी गल्ले कदे। बाबू मैं जाऊं को नहीं, हड़ते माड़े रहूंगा ना बेटा। तेरा बाप तने लेना रहा, मैं आया करूंगा, तने बुलाऊंगा। मेरा जी कौन लागे बाबू। एक काम करो और तू, हाँ अपनी भाभी तो जरूर मिलकर एक बार, मेरा बाप आ गया है। हाँ अरे भाई मैं जाऊंगा भाभी। जा मिलकर बेटा, जा मेरे बेटे। ये जान दे बाबू। ना ना जान क्यों, जो बेटे बीत गया वो बीत गया, मिलका बेटे ठीक से जा। बाबू मैंने कुछ दिन पछ ले जी बोल रहे दे रहे। ना बेटे तेरी माँ बाट देख रही होगी बेटा, सोचती होगी मेरा बेटा होगा। मेरी भाभी तो रोया फिर। हाँ होया बेटे जा। अच्छा बाबू मेरा बाबू है तू। अच्छा बाबू, अच्छा बेटा खेटा बेटा तावला। अच्छा गाबरू हो गया भाई, छोटा गाबरू छोटा। हाँ। देख गुड्डे में बैठा के बैठाया था, देख परमात्मा की माया, एक तो उस दिन आया था भाई, एक आज आया भाई। कोई कमी मेरी ओर तो रहेगी हो, कोई गलती होगी हो तो लड़का ने पूछ लिए भाई, उस चीज के मैं भी माफी मांगू ताराचंद भाई। गलती करने का कौन है तू तो, इंसान से ही गलती होती है ना। रे मेरा भाई बहुत शान करे मेरा भाई तन्ने भी। ना ना शान जाओगा उसका बाबू आ रहा लेन पे पे, चुकर जी लागेगा मारा भाभी। भाभी क्या तो रो हो, ठीक तो सुना देवर, तेरे बिना चुकर जी लागेगा मारा। भाभी दाना पानी बड़ा है अगर है, देखे तुमने खुशी होनी चाहिए भाभी, मेरा उजड़े उड़ कर आज फिर बसे है भाभी जी। मेरा भी कोनी करता अपने बाप तो ही बड़ के मानू मैं मनसा जी ने, आज पहली बार नाम ले रहा भाभी। देखे देवर तू और देख सा था जब आया था जब। हाँ भाभी, पर भाभी देखे भूल चूक में मेरे कोई गलती हुई हो, थारे पाँ पकड़ के माफी मांगू भाभी, जानने मेरा भी जी ना करता। पर भाभी देखो मेरी माँ जिसका मैं इकलौता बेटा भाभी, उसने भी कई साल काटे हैं बेटे बिना। भाभी ईमानदार होऊंगा, मैंने इजाजत दो भाभी मैं चालू। जा देवर, पर मारी दुरानी ने राम राम जरूर दे दिए, मिलाई तो को ना राम राम तो दे दिए। ठीक से भाभी, तेरे सारे काम पूरे करूंगा, फिर कहूं एक बात, कोई गलती हुई हो तो तेरे बड़ का समान हूं, मैंने माफी दे दी। अच्छा भाभी राम राम, राम राम, राम राम, राम भाभी चालू। इबम क्यों करवांगे बेटा, बहुत दिन में बावड़ी है और जिसका कारण बावड़ी है ना बेटा, एक बार मैं तो उस दौरे फेट काऊंगा, और तूने न्यू कही थी एक किलोमीटर दूर खड़िया कराइयो, उमारा जियाड़ी बात से आप आड़े खड़े हो जाओ बेटा, मैं एक बार महाराज जियाड़ घर ले जाऊंगा। बाबू आ तो जाइए। आ जाऊंगा बेटा। अच्छा बिल्कुल, और मेरा बेटा ठीक है, माड़े बाट देखो तेरी। ठीक से बेटा, मैं ही आया। प्रणाम महाराज। महाराज
जैसा आपने बताया था लड़का ने मैं छुटवा ले आया। अच्छा? और 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर कहा ये महाराज आप घर चलो। चलिए। चलो महाराज ले महाराज जी तो मैं लूंगा। सेठानी महाराज जी के दर्शन करो, मारे 16 भाग हो गए, इनकी सेवा करी थी, इनने किने बात बताई थी, लड़का ने छुटवा लिया हूँ मैं। अच्छा? हाँ। किस है? बहु महाराज जी ने कह दिया 1 किलोमीटर दूर खड़ा कराइए, मैं लड़का ने लेकर आऊं और आप महाराज जी की इतना सेवा करो करा। अच्छा महाराज जी मैं लड़का ने ले आऊं। धन्यवाद मारे महाराज। अच्छा महाराज इब ले आऊं हूं मैं। आओ महाराज अंदर आओ। सेवा करी इतना सेठानी। बता यो बाबा इब ताई नहा के ना लेकर लिया, इतनी बार मत लुगाई भी नहा के लेकर आओ, भोजन शेरा होने लग रहा से खा ले, बेरन के स्नान करे है सा यो बाबा। यो के बाबा भीतर गया था लुगाई बाहर लिखड़ी के बात से तू को छड़ावा से ठग से मारे घर में ठगी करने कुछ नहीं रह रहे, हम तो बस भगवान भरोसा हो रहे सा। माताश्री मैं आपकी पुत्र बनी हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो दो पर यो बात के सया बाबा तर तो लुगाई बन गई। माता जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी आपके पुत्र आ रहे हैं, कृपया मुझे उनसे बात करने दीजिए। ठीक सा कर ले बात कर ले तू। चलो देखेंगे। धर्ममाल की तू न्यू आड़े क्यों करे स्वामी? हाँ आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, किसी के छोड़ के जाने से ये टूटता नहीं है। बात तो ठीक है धर्ममाल की तेरी, धर्ममाल की महा जोड़ के तने एक बात कहूँ, मैं इस आरते का लायक नहीं हूँ, एक बनी दो बतन धोखा दे रहा हूँ। स्वामी बीती बातों को भूल जाइए और आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। माँ बेटा दो दाना और पुत्ता फड़ो, मारे सारी बात समझ में आएगी। अरे इसमें बेटा कोई शर्म की बात नहीं, चलो भीतर चलो बेटा आ जाओ। चलो धर्मल की जो होनी होती है बेटा वह होश है, और चलो कोई बात नहीं, ये आए पास हमारे भी दिन फिर के, और भगवान होश का हम वह दिन फिर ले आ जाओ बेटा, चलो भीतर चलो।